सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री उत्तर पूर्व के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उनका विजन है कि देश के हर कोने से कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। नड्डा ने कहा कि बीते 10 वर्षों में सिक्किम में आए बदलावों को आप खुद देख सकते हैं। सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के बाद कहा कि आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के द्वारा पूर्वोत्तर में 5 लाख करोड़ रुपए पिछले 10 वर्षों में खर्च किए गए हैं। पिछली सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्यों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। कांग्रेस का काम करने का यही तरीका है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने ही लुक ईस्ट और एक्ट फर्स्ट नीति बनाई। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा सिक्किम में करीब 55,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। प्रीवियस गवर्नमेंट जो पहली की सरकारें थी वो सरकारें बिलीव करती थी आइसोलेशन में और इग्नोरेंस में। आइसोलेट रखो इनको और इग्नोर रखो और अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाओ। This was the style of functioning of the Congress party and other parties. But when Prime Minister Modi became the Prime Minister, he said, look east, act fast, act first. और इसलिए उन्होंने कहा कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री पूर्वी भारत अगर कमजोर रहेगा तो भारत आगे नहीं बढ़ेगा। और इसलिए इस ईस्ट को स्पेशल प्रेफरेंस देना होगा, स्पेशल अटेंशन देना होगा और स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा। और ये स्पेशल अटेंशन स्पेशल फोकस को ध्यान में रखते हुए लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट फास्ट एंड फर्स्ट ईस्ट इसको उन्होंने अपना मापदंड माना। और आज हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का मेन स्ट्रीमिंग हुआ है, इसको भी हमको याद